अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। आप इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनती है और बहुत खाने में अच्छी लगती है। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट करके कि कैसे बनी थी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे इसके लिए क्या लेना है। यह आधा किलो भिंडी है जो मैंने धोकर अच्छे से साफ करके ली है। ये 6 छोटे प्याज है तो इन्हें मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। आप जैसे चाहे काट कर लीजिए। ये कड़ी पत्ता है, ताज़ा है। ये हरी मिर्ची, 5-6 हरी मिर्ची और 4-5 लहसुन के पाक कली थे जिन्हें मैंने पीस कर ले लिया है। ऐसे पीस कर लीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये कोथमीर है जिसे मैंने बारीक काट कर लिया है। ये तेल है, 8-10 टेबलस्पून। भिंडी में थोड़ा ज़्यादा तेल डालेंगे तो चिपचिपी नहीं बनेगी। ये राई है, 1/2 टीस्पून। ये ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून। और ये 1 टीस्पून अमचूर पाउडर है जो बाहर जो हर किराने की दुकान में मिलती है वो। तो आइए हम इसे बनाते हैं। तो गैस की फ्लेम ऑन करनी है। मैंने ऐसा एक बर्तन लिया है, इसमें हम तेल डालेंगे। कढ़ाई में 7-8 टेबलस्पून तेल है ये। अब हम इसमें तेल गर्म होने के बाद राई डालेंगे। राई अच्छे से फूल जाएगी, आवाज़ आएगी, तब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा भी अच्छे से फूल जाएगा तब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता अच्छे से फ्राई करना है, फुल फ्लेम पे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, बार बार उसको हमें हिलाते रहना है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है, अच्छा लाल होने तक। प्याज को अच्छे से लाल होने देना है, कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो प्याज तेल में पानी छोड़ देगा भिंडी में और भिंडी चिपचिपी बन जाएगी। तो इसके लिए प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से प्याज फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे फिर दरदरी कुटी हुई हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट बहुत भिंडी का टेस्ट बढ़ाता है और भिंडी बहुत टेस्टी बनती है, तो इसलिए ज़रूर एक बार आप ऐसे बना के देखना भिंडी को इस तरीके से। अब इसे अच्छे से इसमें हमें फ्राई करना है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, पूरे घर में फैल जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखिएगा, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम तेल में। अभी अच्छे से फ्राई हो गई, अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। ये 1/2 किलो भिंडी है, पूरे भिंडी हम इसमें डालेंगे। हम बिल्कुल भी कोई धना पाउडर, हल्दी इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये भिंडी ऐसे ही इस तरीके से बहुत टेस्टी लगती है। अब पूरे मसाले में हम इसे स्ट्रल करते हुए अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे भिंडी को। देखिए, बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है इसे, अच्छे तरीके से। ये देखिए, सब तरफ से इसको हिलाते हुए हमें ऐसे चम्मच चलाते ही रहना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से। अब हम इस पे इसको ढकेंगे और ढककर 1-2-3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 मिनट भिंडी लगेज पक जाती है। ये देखिएगा, 2-3 मिनट के बाद में मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। ये देखिए, भिंडी अभी पूरी तरह से पक गई है और बहुत खूबसूरत हरी हरी दिख रही है। आप इसमें कोथमीर डालोगे, हल्दी डालोगे। अभी कोथमीर डालेंगे, बाद में हिलाएंगे इसे। हल्दी डालेंगे तो ये भिंडी काली पड़ जाएगी, तो इसमें हमें हल्दी नहीं डालनी है। और ये हम डालेंगे अमचूर पाउडर लास्ट में। बस अभी सिर्फ एक मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। मैं अभी आपको डिश आउट करके इसे दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत लग रही है।